सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक नवी ट्रिप, एक नवा हिल स्टेशन और एक नवी जर्नी। तो दोस्तों, ये जर्नी है हमारी लोनावला की। और जैसा कि आप सब जानते ही हो कि लोनावला बहुत ही फेमस है हिल स्टेशन के मामलों में, और ये आता है महाराष्ट्र में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे अबाउट लोनावला, और मैं बताऊँगा सारी डिटेल कि यहाँ कैसे एक्सप्लोर करें, कहाँ रुकें, कहाँ खाएं, और यहाँ का जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन जो रहेगा वो किस तरह से रहेगा घूमने के लिए, और यहाँ के कौन कौन से बेस्ट पॉइंट्स हैं घूमने के लिए। तो दोस्तों, जर्नी को शुरू करते हैं और उसके बाद आपको धीरे धीरे सारे में ट्रांसपोर्टेशन वे जो भी हैं और किस तरह से घूमना है सारी डिटेल देता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, जर्नी शुरू करते हैं। हम नीचे से यहाँ जो टाइगर पॉइंट है हमारे फर्स्ट पॉइंट में पहुँच गए हैं, और पहुँचते ही मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा नारियल पानी, जो नेचुरल वाटर होता है, वो थोड़ा गेन कर लेते हैं। उसके बाद व्यू पॉइंट में जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे। और मैं उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ कैसे आया, ट्रांसपोर्टेशन मोड मैंने कौन से यूज़ किए, ये सब आपको गाइड करूँगा। तो चलिए पहले पी लेते हैं। सो दोस्तों, फाइनली हम पहुँच गए हैं। ये पहला पॉइंट है जो कि है टाइगर पॉइंट। और यहाँ अब दोस्तों, टाइगर पॉइंट एक्सप्लोर करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ मैं कैसे आया, आप भी कैसे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन लोकल यानी जो साइट सीन हमें करनी है तो कैसे घूमेंगे, कौन सा बेस्ट वे रहेगा। क्योंकि आपको पता ही है लोनावला जैसी जगहों में यहाँ पे अगर हम टैक्सी से घूमते हैं, यहाँ देखो क्योंकि यहाँ आपको ना टू व्हीलर नहीं मिलती। मैंने पता किया, यहाँ यूनियन है ऑटो और टैक्सी का, यहाँ टू व्हीलर मतलब नहीं है, मतलब रेंट पे जो टू व्हीलर अगर गोवा में जैसे मिलती हैं वैसी मिलती तो बहुत ही बेस्ट रहता, बट यहाँ तो टू व्हीलर मिल ही नहीं रही है, तो हमने ऑटो किया है। आप ऑटो कर सकते हो या तो आप टैक्सी कर सकते हो। अगर ऑटो करते हो दोस्तों तो मुझे 1000 रुपीज़ में ऑटो मिली है, और उस ऑटो में हमको वो 8 पॉइंट घुमाएगा जो कि 4 पॉइंट है लोनावला के और 4 पॉइंट बताया गया है खंडाला के। तो दोस्तों, इस तरह से आप अरेंज कर सकते हो लोकल साइट सीन के लिए ऑटो, और वो आपको यहाँ के जो लोकल भी जितने फेमस साइट सीन है वो आपको अच्छे से घुमा देगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप टैक्सी भी कर सकते हो अगर फैमिली के साथ हो, ज़्यादा बड़े हो टैक्सी कर सकते हो, तो टैक्सी में आपको कुछ 1500 से 2000 के बीच में रहेगा, और आपको थोड़ी बार्गेनिंग करके आप थोड़ा चेंजेस कर सकते हो। तो उस तरह से आप ये ट्रांसपोर्टेशन का ये रहेगा। अब दोस्तों, अगर बात करें कि लोनावला हमें आना है तो दोस्तों लोनावला आप कैसे आ सकते हो। दोस्तों, अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र से आते हो तो आपको सबसे पहले मुंबई आना है। मुंबई से लोनावला कुछ आपको पड़ेगा ओनली 83 किलोमीटर्स, और दोस्तों अगर आप आते हो पुणे से तो ये आपको सिर्फ 64 किलोमीटर्स पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप आ सकते हो। और ट्रांसपोर्टेशन मोड की बात करें तो बहुत ही टूरिस्ट, बहुत ही यानी फेमस प्लेस है, तो सारे ट्रांसपोर्टेशन मोड अवेलेबल हैं। जो कि फ़्लाइट से आना चाहो तो आप फ़्लाइट से आ सकते हो, नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो पुणे का है और फिर मुंबई का है। और दूसरा आप अगर बात करें तो दोस्तों आप ट्रेन से आ सकते हो, जो कि यहाँ लोनावला तक की आपको ट्रेन मिल जाएगी आपके स्टेशन से। अगर नहीं मिलती तो आपको नियरेस्ट पुणे आना है या मुंबई आना है। और रही बात अगर मुंबई से आते हो या पुणे से आते हो तो आप लोकल जो बस होती है एमएसआरटीसी जो लोकल बस है उससे आ सकते हो, या अपने पर्सनल व्हीकल से आ सकते हो। तो दोस्तों, मैंने आपको लोकल ट्रांसपोर्टेशन बता दिया, यहाँ कैसे घूमना है वो बता दिया। और यहाँ दोस्तों, अगर रुकने की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ अगर आप रुकना चाहते हो तो आपको होटल 1000 से लेके 5000-10000 तक रिजॉर्ट तक बजट गया है। बट आप ऐसे माना जाता है कि आप हम चलो बजट ट्रैवलर करेंगे तो आप ना 800-1500 के आसपास आपको बेस्ट से बेस्ट होटल मिल जाएंगी। और यहाँ तरह तरह रेस्टोरेंट है, मैं आपको बताऊँगा कहाँ कहीं भी आप खाना खा सकते हो, आपको इजीली आराम से पर पर्सन 250 के आसपास बेस्ट से बेस्ट फूड मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, अब हम एक्सप्लोर करेंगे टाइगर पॉइंट। दोस्तों, अभी हम हैं टाइगर पॉइंट में। जैसा कि आपने देखा, हमने अभी जस्ट ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और कोकोनट वाटर मैंने पी लिया था जस्ट बिकॉज एनर्जी। नाउ अब मैं आपको दिखाऊंगा टाइगर पॉइंट जो कि मेरे पीछे है। हालांकि बहुत ही फॉग है तो मे भी आपको कुछ दिखे ही ना, बट थोड़ी देर पहले दोस्तों, जस्ट थोड़ी देर पहले धूप थी, काफ़ी धूप थी, और अभी जस्ट 5 मिनट में दोस्तों आप देख सकते हो कितना फॉगी हो गया है। इवन यहाँ से कैमरे से आपको पता नहीं चल रहा होगा, बट मैं देख पा रहा हूँ कि जो पूरा फॉग है ना, ये इस तरह से पूरा आ रहा है ऐसे, और पूरे में इस तरह से यानी बैठ रहा है, यानी सामने से आ रहा है। इस तरह रोड है और देखो वहाँ से पूरा फॉग वगैरह, मतलब फॉग है, क्लाउड है, बादल है, आई डोंट नो, वहाँ से पूरा आ रहा है इस तरह से, आप देख पा रहे होगे। यहाँ पे दोस्तों इस तरह से ये जनरेटर लगी हुई है ताकि ज़्यादा आगे जा ना सके, बिकॉज वो रिस्की है, बहुत बड़ी बड़ी खाई है जैसा कि आपको दिख रहा होगा दोस्तों। सी तो
सो दोस्तों दिस इज़ द आवर फर्स्ट पॉइंट एंड इसके बाद हम जहाँ आगे जाएंगे आपको बताएंगे। तो दोस्तों हमने ऑटो किए, जैसा कि मैंने आपको बताया आपको टैक्सी कन्वीनियंट लगे तो आप टैक्सी कर सकते हो, उसका 1500 से 2000 के बीच में रहेगा। आप फिर डिपेंड करता है आप कितने पॉइंट घूमते हो, अगर आपको और भी लो कॉस्ट में जाना है तो आप उनको कह सकते हो कि मुझे सिर्फ एक दो पॉइंट ही कवर करने हैं, तो शायद आपको 600-800 में ले जाएँ। पर दोस्तों 1000 में वो मोस्ट ऑफ सारे जितने भी लोकल पॉइंट्स हैं सब आपको घुमाई देंगे, तो वही बेटर रहेगा। और इस तरह से पूरा व्यू है दोस्तों, आपको कैमरे में शायद दिख नहीं रहा होगा, फॉग पूरा यूँ चल के, मतलब क्लाउड है, बादल है, आई डोंट नो, बट पूरे चल के इस तरह से जा रहे हैं वो, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यहाँ कैमल राइड भी हो रही है दोस्तों, आप कैमल राइड भी कर सकते हो इस तरह से। काफ़ी फॉग काफ़ी है, सो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब जो इधर के हिल्स हैं पहाड़ हैं वो कुछ दिख नहीं रहे हैं। हालांकि बहुत बड़ी बड़ी खाई हैं अंदर, मतलब बहुत डीप खाई हैं और कुछ दिख नहीं पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ फॉग, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो दोस्तों इस तरह से कैमरे में आपको दिख नहीं रहा होगा बट ये बहुत ही, मतलब आई डोंट नो कितने फीट है या क्या है, बट बहुत ही डीप, मतलब खाई है बहुत बड़ी और पूरा फॉगी है, इसलिए आपको शायद कैमरे में दिखेगा नहीं इस डिस्प्ले में। बहुत बहुत ज़्यादा बहुत ही डीप है, मतलब हद बिना कैसे देख के ऐसा डर लग रहा है अजीब से। ऑटो हमारी खड़ी है, अब हम जाएंगे ऑटो के पास और बस सेकेंड लोकेशन पर जाएंगे हम, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों ये है लायन पॉइंट्स, हालांकि जो लायन पॉइंट्स और टाइगर पॉइंट है वो दोनों एक ही हैं, मतलब जस्ट ओनली 400 मीटर्स वॉकिंग डिस्टेंस में, मतलब आपको 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में है इस तरह से। ये है पूरा अपना लायंस पॉइंट कह लो या टाइगर पॉइंट, एक ही है, क्योंकि पहले जो हम थे, जो पहले आपने देखा वो टाइगर पॉइंट है, लायन पॉइंट है, एक ही है सब। और इस तरह से इसका व्यू है आपको फ्रेंड्स, फाइनली मैं आ गया हूँ भूसी डैम के पास, और कुछ इस तरह से यहाँ से वॉक करके जा सकते हैं और वहाँ तक जाना है हमें। दोस्तों यहाँ कुछ इस तरह से सिस्टम है कि आप मतलब 20 रुपीज़ पर हेड स्लीपर रेंट पे ले सकते हो और 10 रुपीज़ आपके जो शूज़ होंगे वो रखने का चार्जेस होगा, और आप ऐसे भी मतलब खुद भी जा सकते हो, वो कंपलसरी नहीं है। तो मैंने तो इस तरह से मेरे शूज़ जो हर बार मैं करता हूँ गोवा बीच जाऊँ या कहीं भी जाऊँ, मैं इस तरह से शूज़ मेरे हाथ में ले लेता हूँ और ऐसे बेयर फुट यानी चलता हूँ, तो क्या अच्छा भी लगता है। तो दोस्तों ये है पूरा व्यू भूसी डैम का, जो कि मतलब इस तरह से पानी है और यहाँ से वहाँ कुछ तो ऊपर एक डैम है, और चप्पल मैंने रेंट पे ले लिए हैं 10 रुपीज़ के, क्योंकि यहाँ कुछ इस तरह से है नोकीले पत्थर वगैरह हैं तो लगे ना, इसलिए पानी आप देख सकते हो एकदम साफ है, नीचे के पत्थर भी दिख रहे हैं आपको क्लीन एकदम। तो दोस्तों ये है भूसी डैम, जो कि हम आफ्टर टाइगर पॉइंट और जो भी लायन पॉइंट्स थे उसको कवर करने के बाद देख रहे हैं। वहाँ तो कुछ ऊपर लोग नहा रहे हैं वहाँ पर, अब मैं ये कुछ भूसी डैम से रिटर्न हो रहा हूँ, ये भूसी डैम से दोस्तों मैं अब रिटर्न हो रहा हूँ, और वहाँ पे कुछ मछलियाँ थी छोटी छोटी तो उन्हीं को देख रही थी वो गर्ल्स। तो ये भूसी डैम ने हमने एंजॉय किया, मतलब वहाँ पे बस एक डैम है वहाँ से पानी गिरता है, आप वहाँ नहा सकते हो, और यहाँ रिटर्न होते टाइम आप ध्यान से चलें बिकॉज बहुत ही ज़्यादा यानी वो क्ले वाले पत्थर हैं, गिर सकते हो आप, तो इधर से ध्यान से जाएँ। ताकि नीचे आया ना तो देखो इस तरह से मौसम थोड़ा अच्छा होने लगा है और अभी तक धूप था। हमने इस तरह से पूरी तरह से सारी जगह घूम ली है, भूसी डैम देखा हमने, टाइगर पॉइंट्स, लायन पॉइंट्स देखे, और उसके बाद ये जो हमारे पीछे अभी है इस तरह से, जैसा आप देख पा रहे हो ये लोनावाला लेक है, जो कि हालांकि इसकी अभी एंट्री बंद है और जा सकते हैं बट ये लेक है, वहाँ कुछ है नहीं, बस एक बहुत हैवी लेक है। तो दोस्तों इसी के साथ ये लोनावाला की जो ट्रिप है ये एंड होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करना और जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कुछ और वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।